हाँ जी, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एन एटम्स. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन, गिव यू फोर ऑप्शंस एंड यू टेल मी द आंसर. इफ देयर यू वांट द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस, आई विल बी डूइंग दैट आल्सो. ठीक है, एनी डिस्क्रिप्शन इफ रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चंस देन वी विल बी डूइंग दैट आल्सो. ठीक है, सो लिसन टू द क्वेश्चन एंड देन गिव मी द आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय व्हाट टाइप ऑफ द बॉन्ड्स. हाँ जी, डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं दे आर लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, यस, वेरी राइट. नेक्स्ट इज, अ न्यूक्लियोटाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स द डैश. अ न्यूक्लियोटाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोसाइड. हाँ, यहाँ पे दोनों टाइप टाइप लिखे हुए हैं. फॉस्फेट ग्रुप का डिफरेंस होता है. सो न्यूक्लियोटाइड हैज व्हाट थ्री कंपोनेंट्स? शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस. शुगर एंड फॉस्फोरस, तीन चीजें होती हैं. जब भी आप ये इसको समझ लो, दिस इज द थ्री थिंग्स. ठीक है, लुक हियर वरुण एंड दिस हर्जमर. न्यूक्लियोटाइड, टाइड वर्ड क्या है? दैट इज टी. टी से याद रखना, दिस हैज थ्री थिंग्स इन इट. ठीक है, एंड व्हाट आर द थ्री थिंग्स? शुगर, फॉस्फोरस एंड द फॉस्फेट ग्रुप एंड द नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, इफ वी रिमूव द फॉस्फोरस फ्रॉम हेयर, एक्चुअली द बॉन्डिंग इज नॉट हेयर विद द शुगर एंड नाइट्रोजनस के बीच में नहीं होती, बॉन्डिंग यहाँ पे होती. ठीक है, शुगर की फॉस्फेट ग्रुप के साथ. लेकिन अगर हम यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को हटा देते हैं, ठीक है, वी रिमूव दिस, दिस कम्स आउट टू बी फॉस्फेट अलग हो गया और शुगर और नाइट्रोजनस बेस अभी भी बाइंडेड है, तो ये वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियो साइड, एस. ठीक है, न्यूक्लियो साइड. दिस इज न्यूक्लियोटाइड, दिस इज न्यूक्लियो साइड. क्लियर? सो इट डिफर्स बाय ओनली वन थिंग, दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ डी ऑक्सी राइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू अ क्लास शुगर्स कॉल्ड, अ क्लास ऑफ शुगर्स कॉल्ड. Both deoxyribose and ribose belong to a class of sugars called. What is the class? Ribose. Of ribose sugar. Yes. This is deoxygenated. Ribose. That is simple. Okay. Deoxyribose or ribose. Sorry. So that is ribose sugar. Sirf uske groups mein aati. Okay. Ribose. So maine hi bol diya. Deoxyribose and ribose belong to the class of the sugars called as pentoses. ठीक है, दैट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द शुगर्स कॉल्ड एज पेंटोसिस. राइबोस तो दोनों खुद ही हैं, डीऑक्सी राइबोस या राइबोस. डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और द राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो राइबोस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है दोनों में, सो टू विच ग्रुप इट बिलोंग्स? इट बिलोंग्स टू द पेंटोसिस. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो नहीं पता है वो लिखते जाओ, साथ साथ लिख लो. ऊपर हेडिंग डालो चैप्टर का नाम, नीचे ये चीजें लिखते जाओ, जो अलग सुन रहे हो या नवी सुन रहे हो, लिखो. नोट्स की तरह बन जाएंगे आपके ये सारे पॉइंट्स, बुलेट्स में लिखो. हाँ जी, ऊपर चैप्टर की हेडिंग डालो. नाउ राइट डाउन फर्स्ट. हाँ, वही बता रही हूँ. फर्स्ट पॉइंट लिखो, बोथ डीऑक्सी एंड राइबोस, डीऑक्सी राइबोस एंड राइबोस शुगर्स बिलोंग टू द belong to the class of sugars called pentoses. Pentoses. Next question is, in a DNA molecule, the phosphate group is attached to a carbon dash of the sugar residue of its own nucleotide and carbon dash of the sugar residue of the next nucleotide by dash bonds. मतलब तीन चीजें पूछी हैं अभी यहाँ पे. आपको बताना है कि डीएनए मॉलिक्यूल में फॉस्फेट कौन सा कार्बन पे, शुगर के कौन से कार्बन पे अटैच्ड होता है, बताओ. फाइव प्राइम पे. हाँ, फाइव प्राइम पे. ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड उसने पूछा है, एंड द रेजिड्यू ऑफ इट्स ओन न्यूक्लियोटाइड एंड द कार्बन डैश ऑफ द शुगर रेजिड्यू ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड. हाँ जी, थ्री प्राइम है. ठीक है, और विद डैश बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, सेम बॉन्ड, दैट इज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ठीक है, सो दैट इज इन द डीएनए मॉलिक्यूल. तीन डैशेस हैं और इस तरह पूरा आंसर लिखा हुआ है. फाइव डैश, थ्री डैश, फॉस्फोडाइएस्टर,
3-5-फॉस्फोडाइस्टर, 5-3-ग्लाइकोसिडिक और 3-5-ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। फॉस्फेट, फॉस्फेट इज अटैच टू द कार्बन 5- ऑफ द शुगर रेजिड्यू ऑफ इट्स ओन न्यूक्लियोटाइड। ये अपने न्यूक्लियोटाइड की 5- पे होती है फॉस्फेट, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3- पे होती है। बॉन्ड चलेगी ना उधर जाएगी, तो उसके साथ ये 3- पे होगी, और बॉन्ड कौन सी बनाती है? फॉस्फोडाइस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से इनकरेक्ट मैचिंग कौन सी है? मनकीरत एंड मयंक, यू ऑल्सो प्लीज प्रोवाइड द आंसर्स, यू टेल मी दिस इज राइट और रॉन्ग, ओके। विच ऑफ दीज तो नहीं ढूंढेंगे, करेक्ट है या नहीं ये बताते रहना। प्यूरिन्स टू एडेनाइन एंड ग्वानाइन, प्यूरिन्स होती है एडेनाइन एंड ग्वानाइन, हाँ ठीक है, हाँ कट वाली पिरामिडीन्स होती है, कट वाली पिरामिडीन्स होती है, वो याद रखना। कट मतलब साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, ये तीनों पिरामिडीन्स हैं, ठीक है, इसको इस तरह से याद करना। और बाकी जो दो बची वो क्या है? प्यूरिन्स, ठीक है, प्यूरिन्स आर एडेनाइन एंड ग्वानिन, ये सही है। पिरामिडीन्स साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है, हाँ वो लिखा नहीं है पर करेक्ट है ना, ये पेयर मैच करेक्ट है। देन इज थर्ड इज न्यूक्लियोटाइड्स एडिनोसिन एंड थायमिडीन, न्यूक्लियोटाइड्स अगेन करेक्ट, यस शिवम वेरी गुड। नेक्स्ट इज डीएनए टू बेसिक बायोमोलिक्यूल, पहले डाउन कर दिया उसने हैंड अपना, थम्स डाउन, क्योंकि एक ही रह गया ना लास्ट वाला, इनकरेक्ट मैच। डीएनए टू बेसिक मॉलिक्यूल, डीएनए इज अ बेसिक मॉलिक्यूल, हाँ जी। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डीएनए? हाँ शिवम, एसिडिक, एसिडिक, इट्स नॉट बेसिक, ठीक है, सो दैट इज मिसमैच्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, द फैक्ट दैट अ प्यूरीन बेस ऑलवेज पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अ पिरिमिडीन बेस लीड्स टू इन द डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है, दोबारा बोलूं, फिर से सुनो ये लाइन, द फैक्ट दैट अ प्यूरीन बेस ऑलवेज पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अ पिरिमिडीन बेस लीड्स टू डैश, ठीक है, द एंटी पैरेलल नेचर, द सेमी कंजर्वेटिव नेचर, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए और यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल द डीएनए, इस वजह से क्या होता है? प्यूरिन बेस जब पेयर करता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड टू पिरिमिडीन बेस डबल हेलिक्स, यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म विड्थ, विड्थ बनती है, यस, क्योंकि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन इस तरह से अटैच हो रही है ना, आपने डीएनए स्ट्रक्चर इस तरह बनाते हैं, है ना, तो प्यूरिन और पिरिमिडीन यहाँ पे अटैच थी, हाँ हाँ, तो वो प्यूरिन और पिरिमिडीन अटैच होती है, एक प्यूरिन जो है वो पिरिमिडीन के साथ अटैच हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, तो जब ही इनकी पेयरिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ तो ये हमें क्या समझाती है? दिस लीड्स टू द फैक्ट दैट इज द यूनिफॉर्म विड्थ विल बी मेंटेन्ड थ्रू आउट द डीएनए, यस, लिखो ये, लिखो जब ही प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडीन leads to a fact that leads to a fact that uniform width will be maintained, next is the net electric charge on dna and histones is, dna aur histone ke upar charge kaun sa hota hai, dono ke upar positive, dono ke upar negative, positive and negative ya negative and positive, या जीरो, 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 नेट तो जीरो ही होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे होता ना, डीएनए के नेगेटिव और हिस्टोन के ऊपर, डीएनए नेगेटिव और हिस्टोन पॉजिटिव, हाँ तो ऑन बोथ थोड़ा ना पूछा उसने, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन्स इज बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली और जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, डीएनए कौन सा चार्ज में होते हैं बताओ, वरुण एंड हरसिमर, डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, हिस्टोन कोर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, लिख लो, नहीं पता है जो चीजें वो प्लीज पॉइंट्स बना बना के लिख लीजिए,
ये क्वेश्चंस डिस्कस करने का फायदा तभी है जब भी आपको ये चीजें अगर पेपर में आए तो आती हूँ. द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट हिस्टोन, हिस्टोन के ऊपर ही होता है ना, वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है हिस्टोन के ऊपर जब डीएनए रोल कर जाता है, वाइंड अप होता है? न्यूक्लियोसोम. हरसिमर वरुण कुछ पढ़े हैं आप? तभी यहाँ से शुरू कराया मैंने. अब कल के लिए ये पढ़ के आएंगे, ठीक है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एन एटम्स आज पढ़ेंगे आप और कल आंसर्स आप भी देंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% साइटोसिन, अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास 20% साइटोसिन है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन इट? 30. हाउ 30? मैम ये 20-20-40 हो जाएगा साइटोसिन और थायमिन, फिर 100 से 60 माइनस करके एडेनिन और उसकी आ जाएगी तो हाफ 30. 20% साइटोसिन है. साइटोसिन किसके साथ बाइंड करती है? जी के साथ, ग्वानिन के साथ, है ना? तो ये अगर 20% है तो ऑब्वियसली ग्वानिन भी 20% है, यानी ये टोटल कितना हो गया? 40%, ठीक है? और बाकी हमारे पास बचा 60% इज फॉर द purines, that is for the adenine as well as, sorry, not the purine, that is for the other two, that is adenine and the thymine. ठीक है? हाँ? Number of नहीं दिए, सिर्फ percentage बताया. Number दिया होते तो number के हिसाब से दे सकते. हाँ, number भी दे सकते थे, वो number of the base pairs के हिसाब से आए तो उसके हिसाब से दे दो. हाँ जी, so this is 60% is left for adenine and thymine, ठीक है? अब ये भी दोनों तो इक्वल इक्वल होने चाहिए, सो दैट इज इट इज 30% ऑफ एडेनिन एंड 30% ऑफ थायमिन. एंड द क्वेश्चन सेज हाउ मच इज द एडेनिन. हाँ, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द एडेनिन इन इट? इट इज 30%. क्लियर हुआ? ये शार्गफ रूल के ऊपर क्वेश्चन जरूर आना है पेपर में. ये शार्गफ रूल्स हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर आना है पेपर में, बोर्ड पेपर में, ठीक है? आगे भी आएंगे, अभी दोबारा करेंगे फिर से. साइटोसिन, G is guanin, A is adenine, T is thymine, nitrogenous bases. Next is histamine proteins are. What is the nature of the histamine proteins? They are basic and negatively charged, they are basic and positively charged, they are acidic and positively charged, or acidic and negatively charged. Acidic histone, and positively. Histone protein. Basic and positively charged. Basic है कि acidic है? और basic है. Basic है. और positively charged है क्योंकि positively charged. DNA negatively charged था, ये positively charged है. So these are basic and positively charged. ठीक है? Watson and Crick in 1953 proposed DNA double helix model and won the Nobel Prize. Their model of DNA was based on. अब ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने वैटसन क्रिक का, ये उन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर दिया था. अब उनका मॉडल जो है दैट वाज बेस्ड अपॉन व्हाट? फर्स्ट इज आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपने बताना है किस किस में है या नहीं है, ठीक है? यस और नो से करना, ठीक है? एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ द डीएनए डन बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, वाज इट बेस्ड ऑन दिस? शिवम इज गिविंग द आंसर्स. व्हाट अबाउट द अदर्स? मनकीरत, यू नो द आंसर, यू कैन प्लीज पुट योर थम्स अप और थम्स डाउन. वॉटसन क्रिक ने दिया था, लेकिन उसका मॉडल किसके बेस था? क्या वो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के काम के ऊपर बेस था, एक्सरे डिफ्रैक्शन? यस, इट वाज बेस्ड अपॉन द एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज. लिख लो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल. लिख लो गितेश, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए वाज बेस्ड ऑन. Watson and Crick model of DNA was based on, first thing is X-ray diffraction studies. X-ray diffraction studies by Wilkins and Franklin. Studies made by Wilkins and Franklin. Second is
Griffith's transformation experiment, was it based on this? जो मॉडल दिया वैटसन क्रिक ने, क्या वो ग्रिफिथ की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड था? नहीं था. ठीक है, वेरी राइट. नेक्स्ट इज शार्गव्स बेस इक्विवेलेंसी रूल. हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एटीजीसी वाला रेशियो जो है कांस्टेंट रहता है ऑर्गेनिजम्स में, ये सब शार्गव ने बताए थे और उसके बेसिस पे ही ये साथ में मॉडल तैयार किया गया था. लास्ट इज मेसलसन एंड स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट्स. मेसलसन एंड स्टाइल के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था? नो, क्योंकि मेसलसन स्टाइल जो है वो हमें मॉडल ऑफ डीएनए नहीं बताता, स्ट्रक्चर नहीं बताता, वो बताता है उसकी नेचर ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी लिख लो इसमें साथ में. इट वाज बेस्ड ऑन शार्गव बेस इक्विवेलेंसी रूल. जहां फर्स्ट लिखा इट इज बेस्ड, गितेश लिखो. सेकेंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन शार्गव बेस इक्विवेलेंसी रूल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% साइटोसिन, ये तो सेम ही आ गया. ओके, नेक्स्ट इज इन वन पॉलिटिकल स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ ए प्लस टी, दिस इज द वन पोलैरिटी स्ट्रैंड, वन पॉलिटिकल स्ट्रैंड इट इज, जस्ट मिनट. हाँ जी, ए प्लस टी बाय जी प्लस सी रेशियो इज 0.3. व्हाट इज द A plus G by T plus C is ratio. ये आपको ढूंढनी है ऑफ द एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल. हाउ मैम? वन. हाउ वन? मैम ये कांस्टेंट रहती है ना, क्योंकि इक्वल होती हैं. हाँ, ये उसने ही दी है, शार्गव रूल नहीं दी है. A T के बराबर रहेगा, G C के बराबर रहेगा, तो ये कट जाएंगे सारी वैल्यूज. अगर A 5 है तो T भी 5 है, अगर G 10 है तो ये भी 10 है, तो टोटल 15/15, तो रेशो का आंसर भी 1. इससे इसका लेना देना कुछ नहीं. ठीक है, दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, राइट? ओके, नेक्स्ट इज आंसर इज 1 है. ओके, नेक्स्ट इज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स अ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल. देयर इज अ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल. Just look onto the figure. Okay, something like this. And then there is, it has marked this as B and this one as A. Okay, ye A hai aur ye C hai. हाँ जी, सो गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल एज प्रपोज्ड बाय वैटसन एंड क्रिक इन 1953. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड सी. यू टेल मी व्हाट इज द करेक्ट मेजर ऑफ ए. ए इज वन टर्न, वन फुल, 3.4 नैनोमीटर. 3.4 नैनोमीटर. नैनोमीटर्स, 3.4 नैनोमीटर. व्हाट इज दिस बी? 0.34 नैनोमीटर. यस, इट इज 0.34 नैनोमीटर. And what is the C? 2 nanometer or 20 angstroms, है ना? So this is 2 nanometers. Write it down. लिख लो. वरुण जी लिख लीजिए. अभी final boards देने हैं हमने. हाँ, लिखो फिर. मेहनत लगाओ. Paper सिर्फ अपने से अच्छा नहीं करना, board के लिए अच्छा करना है. लिखो. This is the length of one full turn, जिसमें ये 5 इधर बेस पे आ जाएंगे, 5 इधर आएंगे, 10 आते हैं ना टोटल. ठीक है, हाँ हाँ, तो वो इसलिए 0.34 हाफ का बन जाता है. ठीक है, ये 10 का है ना. ठीक है, तो यहाँ पे एक बेस का बीच में पूछा है, एक बेस के बीच में कितना आएगा? डिवाइड बाय, हाँ मतलब एक के बीच, मतलब दो के बीच का गैप. दो बेस पे ऐसे पड़े ना, ऐसे स्टैंड लगाओ बीच में, तो उनके बीच का गैप क्या रहेगा? So that is 0.34. Actually, यहाँ पे मैंने इस तरह से पूरा वृत्त बना दिया, ये ऐसा है. ठीक है, समझ रहे हो? ये देखो ऐसे है. ठीक है, बिटवीन द टू ऑफ द बेस पेयर्स. समझ आया? सो इट इज डिवाइडेड बाई 10, राइट? दिस होल, इस पूरे के अंदर कितने होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस? 10. 5 इधर, 5 इधर. ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है 5 का ये एक आधा ओवरलैपिंग निकल जाता है. तो
पूरे में 10 लेके चलते हैं तो पूरे में 3.4 नैनोमीटर्स का लेंथ होता है इसका, ठीक है। और दो के बीच का गैप कितना हो गया, डिवाइड बाय 10 स्टिल 0.34, विड्थ उसका होता है 20 एंगस्ट्रॉम्स या 2 नैनोमीटर्स। हाँ दिस इज द विड्थ, मतलब एक्सिस के अराउंड कितना ये अपने आप पर रोल करता है टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड टुवर्ड्स द राइट, कितना ये हाँ विड्थ कवर करता है, तो दैट इज द 2 नैनोमीटर्स, ठीक है जी, और 20 एंगस्ट्रॉम्स। हाँ जी, नेक्स्ट इज व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स, दैट इज अ न्यूक्लियोसोम, फिगर ऑफ द न्यूक्लियोसोम है जिसमें ऑक्टामर है और ऊपर डीएनए रोल किया गया है, ओके। ये ऐसा वाला तो क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेबलिंग नहीं आती आपको, न्यूक्लियोसोम हाँ ये बना हुआ ना ऑक्टामर और उसके ऊपर डीएनए रोल हुआ है, ठीक है। और ये लिंकर डीएनए, बीच में साइड पे जो रॉड लगा है वो लिंकर डीएनए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, द स्ट्रक्चर, हाँ वेरी गुड, द स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन, ये आपकी बुक में लिखी है न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइन लिखी हुई है इसके लिए, हाँ ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, तो दैट इज द बीड्स ऑन स्ट्रिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियोसोम। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द हेट्रोक्रोमैटिन, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, न्यूक्लियोसोम बीड्स ऑन स्ट्रिंग That represents the nucleosome. हाँ. Next is find out the wrong statement about heterochromatin. Heterochromatin के लिए wrongly statement क्या दिया है? ठीक है? It is densely packed. सही है कि गलत? ठीक है. ठीक है. It is densely packed and euchromatin is diffused. ठीक है? वो lightly packed मतलब loosely packed होता, diffused होता. Okay. Next is it stains dark. ठीक है. क्योंकि डेंस है तो डार्क स्टेनिंग आता है, डिफ्यूज हो तो लाइट स्टेनिंग आता है, यूक्रोमैटिन लाइट होता है। इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, गलत है, ये गलत है, हाँ ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं रहता है क्योंकि ये बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, डेंस होता है, इसलिए इसमें ट्रांसक्रिप्शन में रोल नहीं करता है। इट इज लेट रेप्लीकेटिंग, मतलब रेप्लीकेशन इसकी देर बाद होती है, हाँ जी, सो इट इज लेट रेप्लीकेटिंग, सो वन स्टेटमेंट इज ओनली रॉन्ग, दैट इज इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ओके। Next question is the promoter site and the terminator site for the transcription are located at, promoter kidhar hota hai, transcription unit pura is wale end ko kya bolte hain jab transcription unit banate hain, to idhar kaun sa end hai, haan ji 5 prime end of non coding, yes it is 5 prime end of the structural genes, ye promoter hai, ye terminator hai and this is template strand ka 5 prime end ya structural genes ka 5 prime end, so where was the question, promoter site is at the 5 prime or the upstream, isko upstream bolte hain, isko downstream bolte hain, theek hai, so this is at upstream 5 prime and terminator is at the 3 prime downstream end of the transcription unit, haan ji ma'am, jab humne location batani hoti hai to hum wo non coding strand coding strand ki hum polarity se dete hain na, structural genes ke liye structural genes ka representation dete hain, yahan pe hai na structural genes, आपने हमेशा इसके नाम से बोलनी है 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, हम अपस्ट्रीम इसको स्ट्रक्चरल जीन के बेसिस पे बोलते हैं, ठीक है, इट इज मेंशनड इन योर एनसीईआरटी आल्सो, आप लाइन पढ़ेंगे ना इसका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नीचे, ये वाला पेज जो है 106, व्हाट इज दिस पेज 108 पेज पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि जब भी आपने पोलैरिटीज बतानी है दैट शुड बी इन कंसर्न टू द स्ट्रक्चरल जीन्स, पढ़ के देखना ये सारा पैरा, ठीक है, सो इट इज 5-3- इसलिए बोलते हैं इसको अपस्ट्रीम 5- क्यों बोला है, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल जीन्स का स्टार्ट है इसलिए वो अपस्ट्रीम है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय 3-5- फॉस्फोडाइस्ड बॉन्ड, टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस वुड यू चूज, क्वेश्चन समझ आया, दोबारा रिपीट करूं, DNA is a polymer of nucleotides which are linked to each other by 3-5- phosphodiester bond. ठीक है, तो DNA की description दे रही है उसने. To prevent polymerization of nucleotides, question यहाँ से शुरू हो रहा है. To prevent the polymerization of nucleotides, which of the following modifications would you choose?
कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस करेंगे आप ताकि पॉलीमराइजेशन ना हो, ठीक है? अब देखो इसमें से ये करेंगे या नहीं करेंगे आप मेरे को बताएंगे, ठीक है? सो दिस इज रिप्लेस प्यूरिन्स विद पिरामिडिन्स, वो तो कर ही नहीं सकते आप, प्यूरिन्स को पिरामिडिन से करेंगे तो फिर भी वही रहेगी, है ना? दैट विल बी द सेम, ATGC है तो वो आप उसकी पेयरिंग चेंज कर देंगे, वो फिर से वही कंसिस्टेंसी ले लेगा, सो दैट इज रॉन्ग. सेकेंड इज रिमूव और रिप्लेस द 3' OH ग्रुप ऑफ द डीऑक्सीराइबोज, या रिमूव करो या रिप्लेस करो 3' OH ग्रुप ऑफ द डीऑक्सीराइबोज. बाय शिवम, व्हाट विल हैपन टू दिस अगर हम ऐसा करते हैं? फिर OH ग्रुप होगा नहीं तो फास्फेट जॉइन ही नहीं होगा ना 5' एंड का, फास्फेट एस्टर बॉन्ड नहीं बनेगी. यस, फास्फेट जॉइन नहीं करेगा, पॉलीमराइजेशन नहीं होगा अगर हम रिमूव या रिप्लेस कर देते हैं 3-OH ग्रुप को. हाँ, रिमूव कर दो या रिप्लेस कर दो तो उससे क्या होगा, अगला वाला इसमें नहीं बढ़ेगा, दोबारा बॉन्डिंग जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग नहीं होगी. लिख लो ये भी आंसर. हाँ जी, टू प्रिवेंट द पॉलीमराइजेशन, राइट डाउन, टू प्रिवेंट द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. टू प्रिवेंट द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, रिमूव और रिप्लेस, रिमूव और रिप्लेस 3' OH ग्रुप, टू प्रिवेंट द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, रिमूव और रिप्लेस द 3-OH ग्रुप इन डी ऑक्सीराइबोस. डीएनए की बात कर रहे हैं ना, सो इन 3' OH ग्रुप ऑफ डी ऑक्सीराइबोस देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. इसका रीजन भी लिख लो, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. लिख लो ये भी लाइन लिख लो, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, हेंस नो पॉलीमराइजेशन, ठीक है? विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस आर करेक्ट, इसमें से बेस करेक्ट कौन से प्लेस किए हैं बताना है. ACTG करेक्ट है, ए डबल बॉन्ड सी टी ट्रिपल बॉन्ड जी है, गलत है, गलत. हाँ जी, सेकेंड इज ATGC सही है, देन थर्ड इज A2G C2T ये भी गलत है, ऑल ऑफ दीज वो भी गलत है, ठीक है? सो करेक्ट पेयरिंग क्या होती है, A इज बॉन्डेड विथ T एंड G इज बॉन्डेड विथ C और वाइस वर्सा, ठीक है? T2A एंड C2G. हाँ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, यहाँ पे 2 होती है, डबल ट्रिपल. हाँ, और कई बार क्या है वो आपको सिंपल ऐसे बॉन्ड्स में भी दिखा देंगे, जैसे यहाँ पे अभी इन्होंने दोनों तरफ दो दो बनाई है, ठीक है? तो वो आपने देख लेना कि अगर तीनों में ये दी है और नॉन ऑफ दीज की ऑप्शन भी नहीं है तो यही करेक्ट होगा, ठीक है? मतलब सारी ऑप्शंस में उसने डबल डबल ही दिया था, लेकिन अगर वो बॉन्ड्स में भी फर्क दिखा रहे हैं कहीं 2 और कहीं 3, फिर आपने इसको ढूंढना है, ठीक है? अगर एक ऑप्शन में दिया है ATGC ऐसा और दूसरे ऑप्शन में दिया है ऐसा, फिर आपने इसको नहीं गलती से सही कर देना, क्योंकि यहाँ डबल नहीं होती तो यहाँ ट्रिपल होती, समझ गए? ठीक है, हाँ जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिनाइन पेयर्स विद थायमिन थ्रू डैश बॉन्ड्स, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड. हाँ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड. हाँ जी, डबल हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एडिनाइन बाइंड्स विद थायमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड जी विद सी विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है? द डायमीटर ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए इज इन एंगस्ट्रॉम्स, डायमीटर 20 डबल हेलिक्स एंगस्ट्रॉम्स में 20 एंगस्ट्रॉम्स. यस, ये अभी बोला था हमने 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है जी? हाँ, वही हो गया ना, एक्सिस के अराउंड कितना हेलिकली कॉइल्ड है, विड्थ कितना कवर किया है यहाँ हेलिकली कॉइल्ड है. हाँ जी, नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ द प्यूरिन्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन्स वाज सजेस्टेड बाय चार गज, राइट. द प्यूरिन टू पिरिमिडिन रेशियो इन अ डीएनए मॉलिक्यूल इज, कितना रेशियो होता है प्यूरिन टू पिरिमिडिन रेशियो इन अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1:1 कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये वाला रेशियो उसने बोला है कांस्टेंट है, ठीक है? सो इट इज 1:1 ऑलवेज, ठीक है? प्यूरिन टू पिरिमिडिन इज 1:1. ओके, नेक्स्ट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट इन द डीएनए ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज, यही वाला है A+T / G+C. हाँ,
ए प्लस टी बाय जी प्लस सी, ये है कॉन्स्टेंट? यस मैम, ये कॉन्स्टेंट है क्या? ये कॉन्स्टेंट पहला वाला, पहले वाला यस। कैसे मैम? स्पीशीज के लिए कॉन्स्टेंट यही होता है। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंट स्पीशीज के लिए, हाँ डिफरेंट स्पीशीज के लिए ये, सेम पॉपुलेशन के लिए ये, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर उसके एटी जीसी, अब एटी में जीसी में ह्यूमंस है, लेट से हाँ जैसे ये तीन है, ये हमारे पास पहले ही छह है, ठीक है, तो ए और टी तीन तीन कितने हो गए? छह, ये छह और छह बारह, ठीक है, और हमारा रेशियो बन गया 1:2, तो ये कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना? ये सेम के लिए ये है वन, हमारी पॉपुलेशन के लिए ये है, हमारे अंदर ये वाला सेम काउंट रहेगा, डिफरेंट स्पीशीज के लिए ये सेम रहेगा, जैसे अब ह्यूमन बींग्स है, अब ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन में होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, उनके केस में ये वाले फीचर सेम रहेंगे, पॉपुलेशन में डिफरेंट स्पीशीज ऑफ अ जनरल, उनमें अपने करेक्टर्स के लिए ये रहेगा, हाँ ये कॉन्स्टेंट वन वैल्यू, ठीक है। हाँ जी, कितने क्वेश्चन हो गए आज हमारे? 24 क्वेश्चन हुए हैं, ऐसे ही हम कल भी करेंगे, बट आई वॉन्ट मनकीरत मयंक यू ऑल्सो टू प्लीज पार्टिसिपेट, डोंट बी अ साइलेंट लिसनर, ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।